मैं अशोक शर्मा, लेक्चर आर ए सी, राजकीय रामचंद किदान पढ़ जयपुर। आज हम करेंगे एम पी एम आर, सब्जेक्ट कोड 204, थर्मल इंजीनियरिंग, यूनिट 8, इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर। आई सी इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर हम करेंगे। तो पैरामीटर यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन। ये जो पैरामीटर है किसी भी आईसी इंजन की परफॉर्मेंस को मापने के काम आता है। ये पैरामीटर हैं पावर एफिशिएंसी और फ्यूल कंजप्शन। तीन पैरामीटर हैं, पावर एफिशिएंसी और फ्यूल कंजप्शन। तीन तरह के पावर होते हैं आईसी इंजन के अंदर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। इंडिकेटेड पावर को हम आई पी से डिनोट करते हैं, ब्रेक पावर को बी पी से और फ्रिक्शन पावर को एफ पी से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और तीसरा जो पैरामीटर है वो है फ्यूल कंजप्शन, इंडिकेटेड फ्यूल कंजप्शन और ब्रेक फ्यूल कंजप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एनालिसिस करते हैं कि हाउ एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग फंक्शन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के में एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से रहता है, यहाँ आप देखिए, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है अपना, ये पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक से जुड़ा हुआ है और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है। जब क्रैंक की पोजीशन पॉइंट वन पे रहती है तब पिस्टन की जो पोजीशन है ये टॉप डेड सेंटर पे रहेगी। जब क्रैंक की पोजीशन बी बिंदु पे है, जब क्रैंक बी पॉइंट पे है तो आपका पिस्टन आ जाएगा बॉटम डेड सेंटर पे। तो क्रैंक का जब पिस्टन का मूवमेंट होगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो क्रैंक रोटेट होगी ए से बी तक। अगेन जब क्रैंक मूवमेंट होगा बी से ए, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जब जाएगी हमारी क्रैंक पिस्टन, जब हमारा बी डी सी से टी डी सी जाएगा तो क्रैंक का मूवमेंट होगा बी से ए, यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है क्रैंक का, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक। रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो पिस्टन का है उससे हम क्रैंक का रोटरी मोशन हमको मिलता है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर या स्पार्क प्लग लगा हुआ है। यदि सीआई इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर होगा और ऐसा इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा। ये हमारा कंबशन चैम्बर है, क्योंकि यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका कंबशन होता है।
तो जैसे ही कम्बशन होता है तो गैसेज, हॉट गैसेज हैं वो क्या करती है, एक्सपेंड होना चाहती है, हॉट गैसेज एक्सपेंड होना चाहेगी, और एक्सपेंड होगी तो ये प्रेशर एग्जिट करेगी। ये पिस्टन पे, यहाँ पे आप देखो, ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगी, जैसे ही गैस एक्सटेंड करना चाहेगी तो पिस्टन पे फोर्स लगाएगी और पिस्टन का मूवमेंट होगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। तो इस तरह से हमारे क्रैंक का रोटरी मोशन हमको मिलेगा, इस तरह की वर्किंग आइस इंजन में होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो शुरुआत में आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में सबसे पहले एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल। जैसे ही कम्बशन होगा ये एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट एनर्जी से देन पावर एट पिस्टन, जैसे ही फोर्स लगेगा, गैस का फोर्स जो पिस्टन पे लगेगा तो हमको पिस्टन पर पावर मिलेगी। पिस्टन रेसिप्रोकल मोशन करेगा तो अल्टीमेटली मूवमेंट क्रैंक घूमेगी और क्रैंक शाफ्ट पर हमको पावर मिलेगी। तो फाइनली हमको पावर मिलेगी एट क्रैंक शाफ्ट। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फाइनली हमको क्रैंक शाफ्ट पे पावर मिलती है, जो कि यूजफुल पावर होती है। अब आप देखिए एनर्जी बैलेंस किस तरह से, एनर्जी इक्वेशन क्या रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल, इसको हम देते हैं मान लो दिस इज़ वन, ये क्या है एक नंबर दे दिया इसको हमने, जो एनर्जी है फ्यूल के अंदर वो हमने एक नंबर उसको दे दिया है। जैसे ही कम्बशन होगा तो ये एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी है, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, यहाँ पे कुछ लॉसेज होंगे। तो वो लॉसेज कौन से हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन, इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से ये लॉसेज होंगे। तो इनकम्प्लीट कम्बशन मतलब क्या है कि जो सारे के सारा जो फ्यूल है जो हम सप्लाई करते हैं पूरा की पूरा उसका कंजप्शन, वो सॉरी कम्बशन नहीं होता है, कुछ फ्यूल जो अनबर्न रह जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लॉसेज को हम इसमें से निकाल देंगे, यानी कि एक इस लॉसेज को हमने नाम दे दिया दो, तो वन माइनस टू, ये हीट एनर्जी में हमको मिलेगी, ये हीट एनर्जी हमारे पास में रहेगी। अगेन हीट एनर्जी के बाद हमको पावर एट पिस्टन, जैसे ही कम्बशन होगा तो पिस्टन पे फोर्स लगेगा गैस की वजह से, गैस पिस्टन फोर्स लगाएगी और हमको पावर एट पिस्टन मिलेगा ड्यू टू गैस फोर्स। बट अगेन देर इज़ ए हीट लॉसेज। अब ये लॉसेज कौन कौन से होंगे, आप यहाँ देखिए, फ्रिक्शन लॉसेज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन, ये आपका पिस्टन और सिलेंडर आपका, ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो देर इज ए स्लाइडिंग मोशन बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेज होंगे, ठीक है। और दूसरा जो लॉस है वो है पंपिंग लॉसेज। मान लेते हैं अपन कि पिस्टन के ऊपरी सतह पर प्रेशर है P1 और पिस्टन के नीचे प्रेशर है P2,
तो दोनों का डिफरेंस क्या है, P2 माइनस P1, दिस इज नोन एज एडवर्स प्रेशर। और इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, P2 माइनस P1 जो एडवर्स प्रेशर है इसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगती है पिस्टन की, जो लोसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं पंपिंग लोसेज। तो ये दोनों को ऐड करके हमने फ्रिक्शन लोसेज और पंपिंग लोसेज, इस लोस को हमने दे दिया नंबर 4। तो पिस्टन का के पास जो पावर है, पिस्टन पे हमको जो पावर मिली है उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये हमारे को मिल जाएगा पावर एट क्रैंकशाफ्ट। ये हो गया पावर एट क्रैंकशाफ्ट, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब ये जो क्रैंकशाफ्ट में हमको पावर मिल रहा है ये भी हमारे लिए यूजफुल पावर नहीं है। अगेन देर इज़ ए सम लॉसेज, इसमें भी लॉसेज रहेंगे। कौन कौन से लॉसेज हैं यहाँ पे भी, फ्रैक्शन लॉसेज और अनकाउंटेड लॉसेज। यहाँ भी दो तरह के लॉसेज हैं आप, फ्रिक्शन लॉसेज और अनकाउंटेड लॉसेज। ये इसको समझने के लिए आप यहाँ आइए। क्रैंक कनेक्टिंग शाफ्ट से जुड़ी हुई है, क्रैंक ये क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट को पावर मिलता है। आप जानते हैं कि बाल मैकेनिज्म को किसके थ्रू ऑपरेट होती है, कैम के थ्रू। कैम शाफ्ट से, ये जो कैम शाफ्ट है इससे बाल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। कैम शाफ्ट में बेयरिंग लगी होती है, और ये क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो है गियर मैकेनिज्म के थ्रू ये जुड़ी रहती है। तो ये इस बेयरिंग की वजह से फ्रिक्शन लॉसेज होंगे कैम शाफ्ट की बेयरिंग की वजह से, और ये जो पावर है हमारे क्रैंक शाफ्ट का ये यूटिलाइज हो रहा है बाल मैकेनिज्म को रन करने के लिए। इसके अलावा बाल मैकेनिज्म को रन करने के अलावा इसका पावर आपके 2 रन द बाल मैकेनिज्म एंड इग्निशन सिस्टम भी है, उसको रन करने के लिए भी क्रैंक शाफ्ट का कुछ पावर है वो यूटिलाइज होता है। इन दोनों लोसेज को, फ्रिक्शन लोसेज और अनअकाउंटेड लोसेज, इन दोनों को मैंने दिया, उन्हें दे दिया इसका 5 नंबर। पावर एट क्रैंकशाफ्ट में से हमने इन लॉसेज को माइनस कर दिया, तो हमें मिलेगा यूजफुल पावर एट क्रैंक। एंड दिस यूजफुल क्यों है, क्योंकि दिस पावर इज यूज्ड टू रन ऑटोमोबाइल, और इसी पावर को हम ब्रेक पावर नाम से भी जानते हैं, इसको शार्ट पावर भी बोलते हैं या फिर डिलीवर पावर। तो ये जो पावर होगा हमारा यूजफुल पावर, ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, और ये पावर एट पिस्टन ड्यू टू गैस फोर्स, इसको हम जानते हैं एज ए इंडिकेटेड पावर। और ये हमारा पावर, जो पावर एट यूजफुल पावर एट क्रैंकशाफ्ट है वो है ब्रेक पावर, शाफ्ट पावर और डिलीवर पावर, ये भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमारी एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है, हाउ एनर्जी इज कंजर्व, ऊर्जा संरक्षित किस तरह, जो आइस इंजन में ऊर्जा का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से रहता है, कौन कौन से लॉसेज होते हैं, तो ये हमने देखा। सबसे पहले
एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल, फ्यूल के रूप में केमिकल एनर्जी हमारे पास में, उसमें लॉसेज होते हैं इन कंप्लीट कंबशन की वजह से। तो इस दिस माइनस दिस, इसको हमने वन दिया, दो एक माइनस दो, ये हमको हीट एनर्जी मिली। फिर हीट एनर्जी से फिर अगेन लॉसेज हैं रेडिएशन की वजह से, कूलेंट की वजह से और एग्जॉस्ट गैसेज की वजह से। यहाँ पे आपने देखा फ्रिक्शन लॉसेज, ये यहाँ पे आपने देखा ये एग्जॉस्ट गैसेज की वजह से, रेडिएशन की वजह से और कूलेंट की वजह से तीन लॉसेज हमारे यहाँ पे हुए। तो इनको हमने माइनस किया तो पावर एट पिस्टन ड्यू टू गैस फोर्स ये हमको मिला। फिर अगेन क्योंकि लॉसेज है कुछ, फ्रिक्शन लॉसेज और पंपिंग लॉसेज, इसमें से माइनस किया तो हमको पावर एट क्रैंकशाफ्ट मिला। फिर फ्रिक्शन लॉसेज और अनअकाउंटेड लॉसेज माइनस करने के बाद में यूजफुल पावर एट क्रैंकशाफ्ट। तो इस तरह से हम देखा कि आज कि आईसी इंजन में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। अब हम आगे इंडिकेटेड पावर क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला है, ब्रेक पावर का क्या फॉर्मूला है, ब्रेक पावर क्या होता है, ये सेकंड पार्ट में निकालेंगे। थैंक यू।